आज हमें एक फीमेल पेशेंट का अब एंटीपार्टम फेटल मॉनिटरिंग करने को दिया गया हुआ है। केस दिया जा रहा है 25 ईयर फीमेल विथ 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन G3P2L1A0 परफॉर्म द फेटल मॉनिटरिंग। दिस इज एन एंटीपार्टम फेटल मॉनिटरिंग। सबसे पहले फेटल मूवमेंट आ रहा है 16 फेटल मूवमेंट्स आ रही है 2 घंटे में, तो ये नॉर्मल आ गई। फिर हम लोगों ने एनएसटी किया। सबसे पहले हार्ट रेट चेक है बच्चे का, जो है आपकी 142 बीट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल होती है। यहाँ पे तुम्हारी 110 से कम आती तो ब्रैडीकार्डिया होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। 160 से ज़्यादा आती तो ये टैकीकार्डिया केस होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बीट टू बीट वेरिएबिलिटीज बच्चे का मिल रहा है 8 बीट्स पर मिनट। एक्सेलरेशन तो हम लोग को यहाँ पे मिल रही है 3, और वो हर एक एक्सेलरेशन में 20 बीट्स पर मिनट तुम्हारी पार कर जा रही है 40 सेकंड्स के लिए। और ऐसे 3 एक्सेलरेशन हमें मिला हुआ है। इस केस में कोई भी डिसेलरेशन हम लोग को नहीं मिल रहा है। अर्ली या टाइप 1 डिसेलरेशन हिट कॉम्प्रेशन की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। लेट या फिर टाइप 2 डिसेलरेशन यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से होती है, ये भी केस यहाँ पे नहीं है। वेरिएबल या फिर टाइप 3 डिसेलरेशन कॉर्ड कॉम्प्रेशन की वजह से होती है, और ये भी यहाँ पे नहीं है। इसी वजह से एक रिएक्टिव एनएसटी एक्सेलरेशन की वजह से रिएक्टिव एनएसटी आ गई हुई है। पार्टोग्राफ लाइन इस पर हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे इंट्रापार्टम केस नहीं है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। ये एक लो रिस्क प्रेगनेंसी है, इसी वजह से एनएसटी हर हफ्ते पर इसका परफॉर्म किया जाएगा, ये एडवाइस दिया गया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने इस पेशेंट में बायोफिजिकल प्रोफाइल या फिर मैनिंग स्कोरिंग किए, जिसके लिए हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया 30 मिनट तक। उसके बाद ब्रीदिंग मूवमेंट फेटस में आ रहे 24 पर मिनट, इसी वजह से 2 का स्कोर दिए। फेटल ग्रॉस बॉडी मूवमेंट आ रही है 16 2 घंटे में, जिसकी वजह से इसको 2 का स्कोर दिए। फेटल टोन नॉर्मल मिल रही है, इसी वजह से इसका 2 का स्कोर दिए हुए है। एबनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम हम लोग को एडिक्वेट मिल रही है, इसी वजह से इसको 2 का स्कोर दिए हुए है। रिएक्टिव एनएसटी हम लोग को मिल रहा है, इसलिए इसको 2 का स्कोर दिए हुए है। इसे टोटल स्कोर आपकी 10 out of 10 आ गई है। टोटल स्कोर 10 out of 10 आ गई हुई है। मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल को जब किया गया तो एनएसटी आपकी सही सलामत मिली, एबनोटिक फ्लूइड इंडेक्स भी आपकी नॉर्मल मिली, तो मॉडिफाइड बीपीपी स्कोर आपकी नॉर्मल आ रही है। हम लोग ने डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया, यूट्राइन आर्टरी पे डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया तो नॉर्मल मिली। इस पे तो फिर कोई प्री इक्लैम्प्सिया नहीं हो रही है, ऐसा हम लोगों को सजेशन मिला हुआ है। उसके बाद फेटल मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने अम्बिलिकल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और डक्टस वेनोसस, इनमें हम लोगों ने डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया। सब कुछ हम लोगों को नॉर्मल मिला हुआ है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 1.5 टाइम्स ऑफ MOM, मीडियन ऑफ मोड हम लोगों को कम ही मिला हुआ है, तो इसी वजह से सजेस्ट कर रही है कि तुम्हारी ये फेटल एनीमिया नहीं है। नेक्स्ट, और इस डॉपलर अल्ट्रासाउंड में वेवफॉर्म आपकी साइनोसॉइडल आ रही है, एस बाई डी रेशियो 1.8 आ रही है, एंडोस्टोलिक फ्लो एसिड की कमी देखने को नहीं मिल रही है, और रिवर्स भी देखने को नहीं मिल रही, इसलिए यूट्रो प्लासेंटल इंसफिशिएंसी नहीं है। फिर हम लोगों ने वास्ट करके चेक किया इस पेशेंट में, तो फिर फेटल हार्ट रेट आपकी बढ़ जा रही है 20 बीट्स पर मिनट तक 8 सेकंड्स के अंदर ही अंदर, तो मतलब कि वास्ट का रिस्पॉन्स भी तुम्हारा नॉर्मल आ रहा है। तो हमारा रिपोर्ट क्या बना, 25 ईयर के फीमेल विथ 28 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन G3P2L1A0 केम फॉर एंटीनेटल फेटल मॉनिटरिंग। द फेटल मूवमेंट वॉज 16 टाइम्स इन 2 आवर विच इज नॉर्मल। फेटल हार्ट रेट वॉज 142 बीट्स पर मिनट विच इज नॉर्मल, एंड बीट टू बीट वेरिएबिलिटी ऑफ 8 बीट्स पर मिनट विच केम आउट टू नॉर्मल, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 बीट्स पर मिनट इन 40 सेकंड ऑकर 3 टाइम्स। देर वॉज नो डिसेलरेशन विच इज सजेस्टिव ऑफ रिएक्टिव एनएसटी, तो रिएक्टिव एनएसटी है। पार्टोग्राफ लाइन वॉज नॉट प्लॉटेड, क्योंकि एक्टिव लेबर नहीं है। देर इज नो कोमॉर्बिडिटी एंड इट इज ए लो रिस्क प्रेगनेंसी, लो रिस्क प्रेगनेंसी किस है, सो एनएसटी विल बी कंडक्टेड वंस पर वीक। मैनिंग स्कोर वॉज परफॉर्म बाई अल्ट्रासाउंड फॉर 30 मिनट गिविंग अ स्कोर ऑफ 10 out of 10, और मॉडिफाइड बीपीपी केम आउट टू बी नॉर्मल। ऑन डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ यूट्राइन आर्टरी केम आउट टू बी नॉर्मल विच रूल्ड आउट द चांस ऑफ प्री इक्लैम्सिया, एंड फॉर फेटल मॉनिटरिंग द अम्बिलिकल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड डॉक्टर्स वेनोसस शोड साइनोसॉइडल वेव पैटर्न। ठीक है, तो फेटल मॉनिटरिंग के लिए अम्बिलिकल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और डॉक्टर्स वेनोसस ने तुम्हारी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दिखा हुआ है। एसडी रेशियो 1.8 आया हुआ है, कोई भी एंडोस्टोलिक फ्लो में डिक्रीज नहीं मिल रहा है, कोई भी रिवर्सल नहीं मिल रही, ये रूल आउट करेगी यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी नहीं है। और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में तुम्हारी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 1.5 टाइम्स ऑफ एमओएम से कम आ रही है, जो रूल आउट कर दे रही है फेटल एनीमिया। वास्ट वॉज परफॉर्म विच शोर इंक्रीज फेटल हार्ट रेट बाई 20 बीट्स पर मिनट इन 8 सेकंड में 20 बीट्स पर मिनट फेटल हार्ट रेट बढ़ गई हुई थी, जो कि नॉर्मल है। ओवरऑल द एंटीपार्टम फेटल मॉनिटरिंग केम आउट टू बी नॉर्मल, सो द मदर वॉज एडवाइज टू कम फॉर नेक्स्ट एनएसटी आफ्टर 1 week। सब कुछ नॉर्मल निकलने की वजह से एनएसटी के लिए 1 हफ्ते बाद फिर से बुलाया गया हुआ है। फिर से एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, 25 साल की औरत है, 28 हफ्ते की पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, G3P2L1A0 है, और एंटीनेटल फेटल मॉनिटरिंग के लिए आई वी है। फेटल मूवमेंट तुम्हारा 16 बार लिख रही है 2 घंटे के अंदर, और नॉर्मल फेटल जो कि नॉर्मल है। फेटल हार्ट रेट 142 बीट्स पर मिनट आ रही है, जो कि नॉर्मल है। बीट टू बीट वेरिएबिलिटी 8 बीट्स पर मिनट की आ रही है, जो कि नॉर्मल है, और एक्सेलरेशन तुम्हारी 20 बीट्स पर मिनट की मिल रही है 40 सेकंड्स के लिए, और ऐसा 3 बार हम लोग को देखने को मिल गया हुआ है।
यहाँ पे कोई भी डिस्टिलेशन नहीं है जो कि सजेस्ट करे कि कोई रिएक्टिव एनएसटी है। पार्टोग्राफ लाइन हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, एक लो रिस्क प्रेगनेंसी है, इसी वजह से एनएसटी हम लोगों ने हम लोग एक हफ्ते में एक बार करने वाले। इसमें मैनिंग स्कोर परफॉर्म किया गया अल्ट्रासाउंड पे 30 मिनट तक, जो स्कोर दे रही है 10 out of 10, और मॉडिफाइड बीपीपी तुम्हारी नॉर्मल आ रही है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करने पे यूटेराइन आर्टरी नॉर्मल आ रही है जो रूल आउट कर दे रही है प्री इक्लेम्पसिया को, और फेटल मॉनिटरिंग के लिए अम्बिलिकल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और डक्टस वेनोसस में तुम्हारी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिल रही है, एस बाई डी रेशियो 1.8 आ रही है, कोई एंडोस्ट्रिक फ्लो में कमी नहीं मिल रही है, कोई रिवर्सल नहीं मिल रही है, इस वजह से यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी नहीं है, और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी तुम्हारी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी लेस देन 1.5 टाइम्स द एमओएम दिखा रही है जो रूल आउट कर दे रही है फेटल एनीमिया। वास्ट परफॉर्म किया गया जो दिखा रहा है कि फेटल हार्ट रेट तुम्हारी 20 बीट्स पर मिनट तक बढ़ जा रही है 8 सेकंड्स के अंदर, जो कि नॉर्मल है। ओवरऑल तुम्हारा पूरा एंटीपार्टम फेटल मॉनिटरिंग नॉर्मल मिल रही है, इसी वजह से माँ को हम लोगों ने एडवाइस कर दिया कि अगले एनएसटी के लिए एक हफ्ते बाद आपको आना है। ठीक है, थैंक यू।